हाँ वो सब धर लेगा देखिएगा ना। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आज कुछ संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है और इसका कुछ असर जो है वो आरा ज़िले में देखा जा रहा है। इस वक्त हम आरा ज़िले में मौजूद हैं जो कि बिहार में अगर हम आंदोलन की बात करें तो उसका केंद्र पिछले दिनों में ये बना रहा। यहाँ पे जमकर हिंसा उत्पात जो है वो उपद्रवियों ने मचाया। और आरा में अगर आज की बात करें तो भारत बंद के दौरान हम देख सकते हैं कि कुछ दुकानें जो हैं वो बंद हैं और बताया ये जा रहा है कि दुकानदारों ने स्वतः जो है भारत बंद को देखते हुए और ख़ासकर जो पिछले दिनों उपद्रव मचा था उसको देखते हुए खुद ही जो है दुकानों को जो है बंद रखा है। हालांकि ऐसे बंद दुकानों की संख्या काफ़ी कम है, बाकी जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं और जो सामान्य जनजीवन है वो चल रहा है। सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वो भी जो है सामान्य तरीके से चल रही हैं। लेकिन जहां तक रेलवेज की बात करें तो ट्रेन परिचालन बिहार में इस वक्त पूरी तरीके से ठप है। मेरे पीछे आप ये देखें, ये आरा रेलवे स्टेशन है और आरा रेलवे स्टेशन की तस्वीर आपको हमको दिखाएं तो आपको शायद कोरोना के दौरान लॉकडाउन की याद दिला देगा। आप देखिए पूरी तरीके से जो ये आरा रेलवे स्टेशन आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, पूरी तरीके से यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ इक्का दुक्का लोग ही जो हैं जो आ रहे हैं और यात्रियों को काफ़ी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से पिछले सप्ताह बिहार के कई ज़िलों में ज़बरदस्त हिंसा उत्पात मचाया गया, ट्रेनों को आग लगा दिया गया, कई ट्रेनें जो है धू धू करके जली हैं, उसको देखते हुए रेलवेज़ ने बिहार में पूरी तरीके से कहें तो ट्रेनों का परिचालन जो है वो बंद कर दिया है। तकरीबन 350 से भी ज़्यादा ट्रेनें जो बिहार से शुरू खुलती हैं या बिहार होकर गुजरती हैं सब का परिचालन बंद है। और इसकी वजह से जो है हम देख रहे हैं कि लोग भी जो है स्टेशन पर कम ही नज़र आ रहे हैं। हालांकि आज भारत बंद को देखते हुए जो प्रशासन है वो मुस्तैद है, सड़कों पर नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आंशिक असर अगर हम कहें तो वो भारत बंद का जो है वो आरा में ज़रूर दिख रहा है, जो कि अग्निपथ आंदोलन के दौरान हिंसा का एक केंद्र बना हुआ था। यहाँ सबसे ज़्यादा हिंसा देखने को मिली जब उपद्रवियों ने आरा रेलवे स्टेशन पर हमला बोल दिया, उत्पात मचाया, यहाँ पर शीशे तोड़ दिए, कई चीज़ कोई रेलवेज के जो संपत्ति है उसको भी जो है वो नुकसान पहुँचाया। अब आपको हम थोड़ा अंदर ले चलते हैं, आरा रेलवे स्टेशन के अंदर ले चलते हैं और वहाँ की भी जो है आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंदर में आखिर हालात कैसे हैं। आप यहाँ देखिए रेलवे स्टेशन के अगर हम अंदर आते हैं तो यहाँ भी आपको कुछ ही 5-10 लोग ही जो हैं आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, जो यात्री हैं जिन्हें कहीं ना कहीं जाना है लेकिन क्योंकि गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं इसके कारण से वो लोग जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोगों को कहीं जाना है क्या? हम लोग पटना जाएंगे। पटना जा रहे हैं तो कोई ट्रेन मिल रही है आप लोग को? ट्रेन की तो बहुत दिक्कत हो गई है क्योंकि हम लोग डेली मतलब अप डाउन करते हैं पटना टू आरा, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है ट्रेन से आने जाने में, मतलब पब्लिक बहुत परेशान है। क्या नाम हुआ आपका? अनुराधा। जी कैसे मतलब भाई आप लोग जाना चाहते तो जाएंगे कैसे? अभी तो जस्ट एक पता चला है कि एक ट्रेन आ रही है तो ये बरौनी से कोई ट्रेन आ रही है, अहमदाबाद से बरौनी, तो उसी को पकड़ेंगे। और सवेरे भी मतलब पंजाब और विभूति एक्सप्रेस आ रही थी तो बस वही एक दो ट्रेन चल रही है उसी से हम लोग आ रहे हैं। हाँ लेकिन तो चल रहा दिक्कत हो रही है हम लोग। आपका क्या नाम हुआ? प्रियंका। प्रियंका जी आपको कहाँ जाना है? पटना ही जाना है सभी के साथ। ट्रेन मिल पा रहा है आपको? नहीं, ट्रेन का तो यही सिचुएशन है, एक ट्रेन चल रही है पूरे दिन में, बाई रोड ही जाते हैं हम लोग जनरली, आज एक है तो हम लोग वेट कर रहे हैं उसके लिए। अच्छा, तो आपको लगता है ट्रेन परिचालन बंद होने से कुछ दिक्कत हुई है? बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत थोड़ी परेशानी है, सबको बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। तो यात्रियों को परेशानी हुई है, बाकी आप रेलवे स्टेशन के अंदर देखिए यहाँ पर जो है सुरक्षा के जो बंदोबस्त है वो प्रशासन ने यहाँ पर किया हुआ है।
और कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सुरक्षाकर्मी हो वो थोड़ा सा वो नज़र आए ज़मीन पर, वो ग्राउंड पर नज़र आए, ताकि किसी तरीके का उपद्रव जो है वो ना देखने को मिले। और बिहार में आज कई ज़िलों में जो है ऐसी कोई खबरें नहीं आई हैं, हिंसा की कोई खबर जो नहीं आई है। केंद्र सरकार ने अपने तरफ से अग्निपथ योजना को लेकर सरकार ने जो है वो नौजवानों को जो उग्र छात्र हैं उनको ऑफर्स दिया है, रेलवे में माफ़ कीजिएगा जो एज रिलैक्सेशन की उन लोगों ने जो है बात कही है, उसके बाद आर्म्ड फोर्सेज में, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज में भी जो है रिजर्वेशन और जो है प्राथमिकता देने की बात कही है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि बिहार में पिछले दो दिनों से हिंसा कम हुई है, रविवार को तो बिल्कुल भी हिंसा नहीं हुई, और आज जब भारत बंद का आह्वान किया गया है तो यहाँ भी इसका बहुत कम असर देखने को मिल रहा है। हालांकि रेलवे परिचालन जो है वो पूरी तरीके से ठप है।